जो विधि है वो है द्वैवर्णता विधि। ये द्वैवर्णता विधि भी समतल ध्रुव प्रकाश प्राप्त करने की विधि होती है। जैसे पीछे हमने विधियां बताई हैं तो ये द्वैवर्णता विधि भी है। कल हमने आपको लास्ट वीडियो में हमने वो पढ़ाया था, आपको डिकोर प्रिंसिपल पढ़ाया था जिसके द्वारा समतल ध्रुव प्रकाश प्राप्त किया जा सकता है। अब हम नेक्स्ट विधि पढ़ा रहे हैं पोलेराइड विधि, ठीक है, जो द्वैवर्णता सिद्धांत पर आधारित है। ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो बोर्ड में कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो ये विधि है द्वैवर्णता विधि, ये समतल ध्रुव प्रकाश प्राप्त करने की विधि होती है। इस विधि को मैं यहाँ से बोल रहा हूँ और आप लिख भी लेंगे, ठीक है ना। तो मैं धीरे धीरे भी बोलूँगा और इसको आप लिख भी लेंगे, क्योंकि ये थ्योरेटिकल पार्ट है तो थ्योरेटिकल पार्ट तो बोल के ही आपको लिखाना होगा। जब ए ध्रुव प्रकाश को किसी टूरमेलिन के क्रिस्टल पर डाला जाता है तो वह दो समतल ध्रुवित किरणों में विभक्त हो जाता है। किसको डाला जा रहा है और किस पर डाला जा रहा है? ए ध्रुव प्रकाश को टूरमेलिन के क्रिस्टल पर डाला जा रहा है तो वह दो समतल ध्रुवित किरणों में क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, विभक्त हो रहा है। तो हम दोबारा से इसको पढ़ रहे हैं। जब ए ध्रुवित प्रकाश को किसी टूरमेलिन के क्रिस्टल पर डाला जाता है तो वह दो समतल ध्रुवित किरणों में विभक्त हो जाता है। टूरमेलिन क्रिस्टल, आगे पढ़ रहे हैं, टूरमेलिन क्रिस्टल इन दो अपवर्तित किरणों में से एक किरण का वर्णात्मक अवशोषण करता है, लेकिन दूसरी किरण इसमें से बिना अवशोषित हुए बाहर निकल जाती है। अब ये जो टूरमेलिन क्रिस्टल है उसमें दो अपवर्तित किरणें हो गई, तो दो अपवर्तित किरणों में से टूरमेलिन क्रिस्टल एक अपवर्तित किरण का क्या कर लेता? अवशोषण कर लेता और एक किरण को अपने अंदर से पास कर देता है, निकाल देता है। क्रिस्टल की इस क्रिया को द्वैवर्णता कहते हैं। टूरमेलिन की इस पट्टिका को इस प्रकार पारगमन द्वारा समतल ध्रुव प्रकाश उत्पन्न करती है। टूरमेलिन की यह पट्टिका होती है ना, टूरमेलिन की इस पट्टिका द्वारा पारगमन द्वारा समतल ध्रुव प्रकाश प्राप्त होता है, ठीक है। तो दोबारा एक बार पढ़ देता हूं मैं। जब ए ध्रुव प्रकाश को किसी टूरमेलिन के क्रिस्टल पर डाला जाता है तो वह दो समतल ध्रुवित किरणों में विभक्त हो जाता है। टूरमेलिन क्रिस्टल इन दो अपवर्तित किरणों में से एक किरण का वर्णात्मक अवशोषण करता है, लेकिन दूसरी किरण इसमें से बिना अवशोषित हुए बाहर निकल जाती है। क्रिस्टल की इस क्रिया को द्वैवर्णता कहते हैं। टूरमेलिन की इस पट्टिका द्वारा इस प्रकार पारगमन द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करती है। तो टूरमेलिन की जो पट्टिका है वो पारगमन द्वारा समतल ध्रुव प्रकाश उत्पन्न करती है, ठीक है। जैसे यहां देख रहे हैं आप, ये टूरमेलिन का एक क्रिस्टल है, ये डायग्राम देखिए, टूरमेलिन का एक क्या क्रिस्टल है, इस पर यहां से स्टार दिखाया गया है। ये स्टार क्या है? ए ध्रुव प्रकाश है, ए ध्रुव प्रकाश इसके ऊपर डाला जा रहा है। तो आगे यहां देखिए, ये समांतर कंपन है विद्युत क्षेत्र के और ये डॉट वाले के लंबवत कंपन है, फिर ये समांतर कंपन है और ये डॉट के लंबवत कंपन है और आगे इस पर डाला जा रहा है ये प्रकाश। तो प्रकाश डालने पर क्या है, देखिए ये यहां पर ज्यादा है, बड़े हैं, फिर यहां पर जब आ गए यहां पर तो ये थोड़ा छोटा हो गया। फिर अगला वाला एरो को देखिए, दोनों साइड समांतर कंपनों को, पहले की तुलना में ये भी छोटा हो गया, ठीक है। अब फिर अगले वाले को देखिए, ये भी छोटा हो गया, ठीक है, इन दोनों की तुलना में। अब इसकी तुलना में अगले वाले को देखेंगे तो ये भी देखो छोटा हो रहा है, फिर इसकी तुलना में अगला देखेंगे ये भी छोटा हो रहा है, इसकी तुलना में और देखेंगे तो ये छोटा हो गया, इसकी तुलना में देखेंगे तो और भी छोटा हो गया। लेकिन आगे जा करके चित्र ए में देख रहे हैं आप, तो चित्र ए में क्या हो रहा है कि यहां से ये पास हो रहा है, क्या पास हो रहे हैं? लंबवत कंपन यहां से पास हो रहे हैं और समांतर कंपनों का वर्णात्मक क्या हो रहा है? अवशोषण हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर हमने द्वैवर्णता विधि लिखा दी क्योंकि दो अपवर्तित किरणें हो गई, तो दो अपवर्तित किरणों में डिवाइड हो गया, एक तो समांतर कंपनों और एक लंबवत कंपनों में। लेकिन समांतर कंपन जो है, विद्युत क्षेत्र जो समांतर कंपन है वो टूरमेलिन क्रिस्टल है, वो उसको क्या कर रहा है? अपने अंदर अवशोषित कर रहा है। तो धीरे धीरे देखिए, ये एरो का साइन बहुत बड़ा है, ये फिर उससे छोटा हो गया, फिर और छोटा हो गया, फिर और छोटा और छोटा और छोटा और छोटा। तो
तो इस तरीके से छोटे होते चले गए, कहने का मतलब वर्णात्मक अवशोषण होता चला गया। और आ गई है जो देख रहे हैं आप डॉट की जो साइन है, ये डॉट की जो साइन है बिंदु नवा है ये साइन, तो इनके क्या है ये यहाँ से प्रकाश यहाँ से क्या हो रहा पारगमित हो रहा है निकल रहा है यहाँ से, तो ये समतल ध्रुव प्रकाश किसके रूप में मिल रहा है लंबवत कंपनों के रूप में प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब हम विधि पढ़ाते हैं आपको। तो विधि क्या है, अब ये पोलराइड विधि है, ये पोलराइड विधि है, ये पोलराइड का प्रैक्टिकल आपका एक्टिविटी में है, जो प्रैक्टिकल में भी है एक्टिविटी है, 5 नंबर का आपको मिलेगा अभी, कुछ बच्चों को ये पोलराइड का मिलेगा प्रैक्टिकल, बहुत ही सिंपल प्रैक्टिकल है वो हम आपको दिखा देंगे, और उसकी थ्योरी भी लिखानी होती है वहाँ पर। ठीक है, तो ये पोलराइड का प्रैक्टिकल भी है, वहाँ पोलराइड आपको लैब में दिखाया जाएगा कि पोलराइड किस प्रकार होता है और कैसे काम करता है। तो यहाँ से हम पोलराइड ये विधि है, अब पोलराइड की जो प्रथम विधि है वो क्या है, देखिए इसको किस प्रकार बनाया जाता है पोलराइड फिल्म को जिससे हम समतल ध्रुव प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए पोलराइड जो विधि है, ये वाली जो चित्र भी है वो पोलराइड फिल्म है, और इसको किस प्रकार बनाया जाता है। तो देखिए यहाँ से मैं पहले पढ़ देता हूँ, उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा और अपनी तरफ से एक्सप्लेन करूँगा मैं। तो यहाँ से देखिए पोलराइड समतल ध्रुव प्रकाश प्राप्त करने की एक सस्ती एवं व्यापारिक प्रकाशिक युक्ति है। ठीक है, ये जो विधि है पोलराइड वो सबसे सस्ती है और व्यापारिक विधि भी है, और इसके द्वारा समतल ध्रुव प्रकाश प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमने लिखा है पोलराइड समतल ध्रुव प्रकाश प्राप्त करने की एक सस्ती एवं व्यापारिक प्रकाशिक युक्ति है। ठीक है, जो द्वैमानता सिद्धांत पर आधारित है, ये किस पर काम करती है, द्वैमानता सिद्धांत पर काम करती है। थोड़ा ऊपर से इरेज कर देते हैं, ये देखिए थोड़ा इरेज कर देते हैं यहाँ से, और इसको हटा दिया हमने, हालांकि द्वैमानता विधि है पूरी। अब ये पोलराइड की स्थिति को देखें, पोलराइड समतल ध्रुव प्रकाश प्राप्त करने की एक सस्ती एवं व्यापारिक प्रकाशिक युक्ति है। तो पोलराइड क्या है, बहुत ही सस्ती होती है और एक व्यापारिक विधि भी है जिससे समतल ध्रुव प्रकाश आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, और ये किस पर आधारित है, द्वैमानता सिद्धांत पर आधारित है। तो पोलराइड समतल ध्रुव प्रकाश प्राप्त करने की एक सस्ती एवं व्यापारिक प्रकाशिक युक्ति है जो द्वैमानता सिद्धांत पर आधारित है। यहां तक देखिए, अब आगे चलते हैं। पोलराइड फिल्म बनाने के लिए, अब पोलराइड फिल्म कैसे बनाई जाएगी वो यहां से एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। पोलराइड फिल्म बनाने के लिए एक कार्बनिक यौगिक जिसका नाम होता है हर्पेथाइट, कार्बनिक यौगिक लिया जाता है हर्पेथाइट या कुनेन आयोडोसल्फेट, दूसरा नाम एक और ले सकते हैं कुनेन आयोडोसल्फेट के अति सूक्ष्म आकार के क्रिस्टल को नाइट्रोसेलुलोज की एक पतली फिल्म पर इस प्रकार फैला दिए जाते हैं कि सभी क्रिस्टलों के प्रकाशिक अक्षय परस्पर समांतर रहे। तो देखिए दोबारा से मैं कर रहा हूं यहां से, बहुत स्लो में पढ़ रहा हूं, वो आप लिख भी सकते हैं। पोलराइड समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की एक सस्ती एवं व्यापारिक प्रकाशिक युक्ति है जो द्वैमानता सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, यहां तक लिख लिया होगा। पोलराइड फिल्म बनाने के लिए एक कार्बनिक यौगिक, पोलराइड फिल्म बनाने के लिए एक कार्बनिक यौगिक हर्पेथाइट या कुनेन आयोडोसल्फेट के अति सूक्ष्म आकार के क्रिस्टल नाइट्रोसेलुलोज की एक पतली फिल्म पर इस प्रकार फैला दिए जाते हैं कि सभी क्रिस्टलों के प्रकाशिक अक्षय परस्पर समांतर रहे। ठीक है, अब देखिए जैसे एक ये हर्पेथाइड का या कुनेन आयोडोसल्फेट के क्रिस्टल लेंगे और नाइट्रोसेलुलोज की ये पतली फिल्म है, और एक पतली फिल्म ये है नाइट्रोसेलुलोज की, तो इस पर क्या है ये क्रिस्टल फैला दिए जाते हैं कुनेन आयोडोसल्फेट के हर्पेथाइड के, और इस फिल्म को इस तरीके से दबाकर रखा जाता है। ठीक है, तो ये देख रहे हैं आप, ये यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये एक पतली फिल्म है और ये नीचे भी पतली फिल्म है, और ऐसे होती है एक नीचे ली जाती है और एक ऊपर ली जाती है, और दोनों के बीच में क्या है कुनेन आयोडोसल्फेट या हर्पेथाइड की क्रिस्टलों को फैला दिया जाता है जिससे इनकी प्रकाशिक अक्षय परस्पर समांतर रह सके इस तरीके से। ठीक है, और दबा करके इसको रख दिया जाता है, इस प्रकार फैला दिए जाते हैं कि सभी क्रिस्टलों के प्रकाशिक अक्षय समांतर रह सके। ये क्रिस्टल उच्च कोटि के द्विवर्णक होते हैं, डाइक्रोमेटिक होते हैं, ठीक है ना, ये क्रिस्टल उच्च कोटि के द्विवर्णक होते हैं
जो दो अपवर्तित किरणों में से एक को पूर्णतः अवशोषित कर लेते हैं। अब इसमें देखो, मैंने पीछे यहां बताया था कि ये बताया था मैंने टूरमेलिन क्रिस्टल बताया था, तो टूरमेलिन का एक क्रिस्टल यहां पर लिया हमने, पहले इसको देखें आप, फिर हमने इस पर एक एदुर प्रकाश डाला, एदुर प्रकाश के ये कंपन है समांतर और लंबवत कंपन है, इस पर डॉट डॉट के चिन्ह है, तो समांतर लंबवत कंपन है, ये टूरमेलिन क्रिस्टल पर गिरेंगे, तो टूरमेलिन क्रिस्टल पर गिरने के बाद ये बड़ी लाइन वो दिखाई दे रहा है एरो आपको, समांतर कंपन है, फिर उससे छोटा समांतर कंपन हो गया, फिर और छोटे, फिर और छोटे और छोटे, तो यहाँ पर क्या ऋणात्मक अवशोषण हो रहा है, और ये लंबवत कंपन है, और लंबवत कंपन यहाँ से क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, ठीक है, और लंबवत कंपनों के रूप में यहाँ पर समतल ध्रुव प्रकाश प्राप्त हो रहा है हमें किसके द्वारा, टूरमेलिन क्रिस्टल के द्वारा। लेकिन यहाँ पर हम पोलराइड फिल्म की बात करें तो पोलराइड फिल्म में क्या हो रहा है कि हमने ये दो फिल्म ली है, ठीक है, नाइट्रोसेलुलोज की पतली फिल्म ली है और उसके ऊपर हमने बीच में क्या रख दिया है, अर्पेटाइट या पॉलीनाइट्रोसल्फेट के क्रिस्टलों को फैला दिया है, जिससे उनकी प्रकाशीय कक्षा इसकी क्या है, समांतर है, प्रकाशीय कक्षा समांतर है, और इस प्रकार क्या है, ये जो है पोलराइड फिल्म बनती है। अब इसमें क्या है कि हमने यहाँ पर देखिए इस पोलराइड फिल्म के ऊपर, जैसे ये पोलराइड फिल्म है तो यहाँ से ऊपर से यहाँ से हम क्या कर रहे हैं कि एधुर प्रकाश डाल रहे हैं, देखो स्टार दिखाया गया है, स्टार के द्वारा एधुर प्रकाश यहाँ से डाला जा रहा है, तो ये एरो के साइन दिखाई दे रहे हैं आपको, ये वाले तो एधुर प्रकाश इनके ऊपर डाला जा रहा है, एधुर प्रकाश यहाँ से पहुंच रहा है इसके ऊपर, और एधुर प्रकाश में क्या हो रहा है, पहले वाले में तो समांतर कंपनों का अवशोषण हो रहा है टूरमेलिन क्रिस्टल पर, लेकिन पोलराइड फिल्म में देखें कि कौन से कंपनों का अवशोषण हो रहा है यहाँ पर, तो ये लंबवत कंपन भी है और उसमें समांतर कंपन, दोनों कंपन मौजूद है, तो यहाँ पर देखिए दोनों उपस्थित है इसमें, तो ये जब इसके ऊपर डाला जाएगा तो यहाँ से कौन से कंपन पास हो रहे हैं, यहाँ से समांतर कंपनों के रूप में समतल ध्रुव प्रकाश प्राप्त हो रहा है, और यहाँ से देखें लंबवत कंपन क्या है, लंबवत कंपनों का ये क्या कर रहे हैं, वर्णात्मक अवशोषण कर रहे हैं, तो लंबवत कंपन जो डॉट वाले चिन्ह है वो तो देखिए पास नहीं हो रहे हैं, यहाँ पर कौन से पास हो रहे हैं, केवल यहाँ से समांतर कंपनों के रूप में यहाँ से समतल ध्रुव प्रकाश प्राप्त हो रहा है, प्रकाश एक कक्षा समांतर रह सके, ये क्रिस्टल उच्च कोटि के द्विवर्णक होते हैं, जो दो अपवर्तित किरणों में से, ये दो अपवर्तित किरण है, ये दोनों लंबवत और समांतर कंपन है, दो अपवर्तित किरणों में से एक को पूर्णतया अवशोषित कर लेते हैं, इस फिल्म को दो पतली कांच की प्लेटों के बीच रखते हैं, इस प्रकार पोलराइड फिल्म बन जाती है। ये जो क्या है, एक पारदर्शी फिल्म है, ठीक है, और ये कांच की फिल्म है, और कांच के ऊपर अंदर जो है इसमें क्या करते हैं कि नाइट्रोसेलुलोज की पतली फिल्म पर हर्पेटाइट के क्रिस्टल डाले जाते हैं, जिससे पोलराइड फिल्म बन जाती है, और एधुर प्रकाश यहाँ से डाला जाता है, तो इसमें समांतर लंबवत कंपन होते हैं, ये जो फिल्म है वो लंबवत कंपनों का पूर्ण रूप से क्या कर लेती है, अवशोषण कर लेती है, और समांतर कंपनों के रूप में यहाँ से समतल ध्रुव प्रकाश प्राप्त होता है। इस प्रकार ये हम कह सकते हैं कि चित्र ए में टूरमेलिन क्रिस्टल से लंबवत कंपनों के रूप में समतल ध्रुव प्रकाश प्राप्त हो रहा है, और यहाँ से पोलराइड फिल्म के द्वारा समांतर कंपनों के रूप में समतल ध्रुव प्रकाश प्राप्त होता है। ये हमारे ये पोलराइड फिल्म है। अब हम इसकी दूसरी विधि पर बताएंगे और एच पोलराइड क्या होता है वो हम आपको बताएंगे, समझाएंगे। ये देखिए, अब ये द्वितीय विधि है, पहले हमने पहली विधि पढ़ाई थी पोलराइड की, अब ये द्वितीय विधि है। तो सेकंड मेथड क्या है, देखिए इसका यहाँ से पढ़ रहा हूँ मैं, ये थ्योरेटिकल टॉपिक है अधिकतर, वो जो 12वां चैप्टर वो ज़्यादातर आपने देखा होगा कि थ्योरेटिकल चैप्टर पूरा है, ठीक है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसमें कम है। तो यहाँ से देखें, पोलराइड फिल्म बनाने के लिए पॉलीविनाइल एल्कोहल के अणुओं को गर्म करके, किसके अणुओं को गर्म किया जाता है पोलराइड फिल्म बनाने के लिए, पॉलीविनाइल एल्कोहल के अणुओं को गर्म करके इतना खींचा जाता है कि इनकी लंबाई 5 से 6 गुना बढ़ जाए, ठीक है। तो पोलराइड फिल्म बनाने के लिए क्या किया जाता है कि पॉलीविनाइल एल्कोहल के अणुओं को गर्म किया जाता है, और गर्म करने के बाद उनको क्या करते हैं, खींचते हैं, तो उनकी लंबाई कितने गुना बढ़ जाए, 5 से 6 गुना बढ़ जाए, जो पहले थी उससे कितनी गुनी ज्यादा हो जाए, 5 से 6 गुनी ज्यादा हो जाए। इस क्रिया से सभी अणु समांतर स्थिति में आ जाते हैं। जब ये खींचा जाता है और लंबाई इनकी बढ़ जाती है, तब क्या होता है कि इस क्रिया से सभी अणु क्या हो जाते हैं, समांतर स्थिति में आ जाते हैं। आयोडीन का उपयोग करके सीटों के रूप में जमा कर आयोडीन को इसके ऊपर डाला जाता है, आयोडीन क्रिस्टलों को, और इनको क्या है कि सीटों के रूप में जमाया जाता है, सीटों के रूप में जमा कर पक्का कर दिया जाता है, इन्हें एच पोलराइड, कैपिटल एच पोलराइड कहते हैं। इसके द्वारा 99.99%
ध्रुत प्रकाश प्राप्त होता है। जिसकी तीव्रता साधारण प्रकाश की तुलना में कितने गुना अधिक होती है? 33% अधिक होती है। तो दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार, पोलेराइड फिल्म बनाने के लिए पॉलीविनाइल एल्कोहल के अणुओं को गर्म करके इतना खींचा जाता है कि इनकी लंबाई 5 से 6 गुना बढ़ जाए। इस क्रिया से सभी अणु समांतर स्थिति में आ जाते हैं। आयोडीन का उपयोग करके सीटों के रूप में जमा कर पक्का कर दिया जाता है। इन्हें कैपिटल एच, स्मॉल एच नहीं बोलेंगे, यहां पर कैपिटल एच ही होता है, कैपिटल एच पोलेराइड कहते हैं। इसके द्वारा 99.99% ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है, जिसकी तीव्रता साधारण प्रकाश की तुलना में 33% अधिक होती है। ठीक है, तो क्या करते हैं कि पोलेराइड फिल्म बनाने के लिए पॉलीविनाइल एल्कोहल के अणुओं को क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा गर्म करते हैं, और गर्म करने पर फिर उनको क्या करते हैं, खींचते हैं, और खींच करके उनकी लंबाई कितने गुना कर लेते हैं, 5 से 6 गुना कर लेते हैं, और जिससे वो क्या है, अणु है, समांतर स्थिति में आ जाते हैं, और फिर उस पर आयोडीन के क्रिस्टलों को डाला जाता है, और आयोडीन के क्रिस्टलों को डाल करके और उन्हें सीटों के रूप में जमा करके क्या कर देते हैं, पक्का कर देते हैं, जिससे क्या है, कैपिटल एच पोलेराइड फिल्म बन जाती है। इसके द्वारा इससे जो ध्रुव प्रकाश है वो कितने परसेंट प्राप्त होता है, 99.99% प्राप्त होता है। तो इसके द्वारा 99.99% ध्रुव प्रकाश प्राप्त होता है, जिसकी तीव्रता, जो तीव्रता मतलब चमक है, और जो अच्छा प्रकाश है वो साधारण प्रकाश की तुलना में कितने गुना अधिक प्राप्त हो जाता है, 33% ज्यादा प्राप्त होता है। तो हम एक बार उन्हें पढ़ देता हूँ। पोलराइड फिल्म बनाने के लिए पॉलीविनाइल एल्कोहल के अणुओं को गर्म करके इतना खींचा जाता है कि इसकी लंबाई 5 से 6 गुना बढ़ जाए। इस क्रिया से सभी अणु समांतर स्थिति में आ जाते हैं। आयोडीन का उपयोग करके सीटों के रूप में जमा कर पक्का कर दिया जाता है। इन्हें कैपिटल एच पोलराइड कहते हैं। इसके द्वारा 99.99% ध्रुव प्रकाश प्राप्त होता है, जिसकी तीव्रता साधारण प्रकाश की तुलना में 33% अधिक होती है। ये यहाँ तक बात हो गई। अब हम पोलराइड की व्यवस्था पर विचार करेंगे। तो इसमें एक प्रश्न कैसे पूछा जाता है कि पोलराइड फिल्म किस प्रकार बनाई जाती है, या पोलराइड किसे कहते हैं, ऐसे कह सकता है कि पोलराइड किसे कहते हैं, या पोलराइड फिल्म किस प्रकार बनाई जाती है, और पोलराइड की व्यवस्था समांतर एवं क्रॉसित व्यवस्था को समझाइए, तथा पोलराइड के 2 उपयोग पूछ ले या 4 उपयोग पूछ ले। तो 2 उपयोग भी पूछ सकता है इसके साथ में, तो एक बड़ा प्रश्न बनता है। तो इस तरीके से मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन को कि पोलराइड किसे कहते हैं, या पोलराइड फिल्म किस प्रकार बनाई जाती है, पोलराइड की व्यवस्था जिसमें समांतर एवं क्रॉसित व्यवस्था को समझाइए, तथा पोलराइड के कोई 2 उपयोग लिखिए। इस प्रकार एक बड़ा प्रश्न आता है, और वहां से अभी मैंने पोलराइड फिल्म बताई है, तो एक पहली विधि आप इसको लिखेंगे, एक विधि लिखेंगे, और पहली विधि ज्यादा ही लिखनी होती है, वही मेन विधि होती है। तो पहली विधि को लिखेंगे, और फिर उसके साथ यहाँ से पोलराइड की व्यवस्था यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, ये दूसरी विधि थी, दोनों विधि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। तो आप पोलराइड की व्यवस्था यहाँ से मैं पढ़ रहा हूं। जब अध्रुव प्रकाश किरण किसी पोलराइड से गुजरती है तो निर्गत प्रकाश किरण ध्रुवित हो जाती है। ठीक है ना, पोलराइड फिल्म क्या करती है कि उस पर अध्रुव प्रकाश जब डालते हैं तो वहां से द्विवर्णता पर सिद्धांत पर काम करती है, तो उसमें क्या होता है कि 2 भागों में विभाजित हो जाती है वो। तो यहां से जब अध्रुव प्रकाश किरण किसी पोलराइड से गुजरती है तो निर्गत प्रकाश किरण ध्रुवित हो जाती है। निर्गत प्रकाश किरण ध्रुवित है या नहीं, क्योंकि हमने देखा था यहाँ टूरबेलिन क्रिस्टल से हमें लंबवत कंपनों के रूप में समतल ध्रुव प्रकाश प्राप्त हो रहा था, और पोलराइड फिल्म से, क्योंकि पोलराइड फिल्म की बात हो रही है यहाँ पर, टूरबेलिन क्रिस्टल की बात नहीं हो रही, यहाँ पर पोलराइड फिल्म की बात हो रही है, तो पोलराइड फिल्म के द्वारा हमें समांतर कंपनों के रूप में समतल ध्रुव प्रकाश प्राप्त हो रहा था, और लंबवत कंपनों को पोलराइड फिल्म क्या कर रही थी, अपने अंदर अवशोषित कर रही थी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जब अध्रुव प्रकाश किरण किसी पोलराइड से गुजरती है तो निर्गत प्रकाश किरण ध्रुवित है। जो वो निर्गत निकलने वाली प्रकाश किरण है, जो समांतर कंपनों के रूप में जो प्रकाश निकल रहा है, वो ध्रुवित है या नहीं, उसकी पहचान करने के लिए, ध्रुवित हो जाती है, निर्गत प्रकाश किरण ध्रुवित है या नहीं, इसकी जांच करने के लिए दूसरे पोलराइड का उपयोग किया जाता है। प्रथम पोलराइड को ध्रुवक व दूसरे पोलराइड को विश्लेषक कहते हैं। तो इसमें 2 पोलराइड लिए जाते हैं,
ठीक है। तो दो पोल लाइट में जो पहला पोल लाइट होता है उसका नाम है, यहां से ध्रुवक कहते हैं उसको, ठीक है, और दूसरा पोल लाइट लिया जाता है उसको विश्लेषक कहते हैं। तो दो पोल लाइटों का उपयोग किया जाता है, और ये किस लिए यूज करते हैं, क्योंकि जो निर्गत प्रकाश है वो ध्रुवित है या नहीं उसकी पहचान करने के लिए हम दो पोल लाइट फिल्मों का उपयोग करते हैं, और उसकी दो व्यवस्थाएं होती है, दो व्यवस्थाओं में समांतर व्यवस्था और एक क्रॉस व्यवस्था है, ठीक है। देखिए तो इसमें पोल लाइट की जो व्यवस्था है वो सबसे पहले मैं यहाँ पर दो व्यवस्थाएं आपको बताई थी मैंने, एक समांतर व्यवस्था एक क्रॉस व्यवस्था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे समांतर व्यवस्था की। तो मैंने आपसे कहा था कि ध्रुवित प्रकाश की पहचान करने के लिए दो पोल लाइटों का उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम दो पोल लाइट लेते हैं, देखिए यहाँ से, तो एक पोल लाइट ये है आपका, एक पोल लाइट फिल्म ये है, और एक दूसरी पोल लाइट फिल्म और लेते हैं, एक दूसरी पोल लाइट फिल्म ये है, ठीक है। तो ये पहला जो पोल लाइट है, ये प्रथम पोल लाइट है, इसका नाम मैंने कहा था आपसे ध्रुवक होता है, ठीक है, और दूसरा जो पोल लाइट है और इसको यहां से कहते हैं विश्लेषक। दूसरा पोल लाइट क्या होता है, यहां से विश्लेषक होता है। अब यहां से देखें कि ये पोल लाइट को हमने समांतर रखा है, कैसे रखा है समांतर, ये दोनों पोल लाइट आपस में कैसे है समांतर है। तो यहां से मैं लाइनों के द्वारा दिखा रहा हूं, तो ये एक पहले पोल लाइट है जिसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे ये पोल लाइट है और पहला ये पोल लाइट है और दूसरा पोल लाइट, उस पर भी लाइनें इसी तरीके से होंगी क्योंकि ये दोनों कैसे हैं परस्पर समांतर है। और जब दोनों को समांतर रखा जाता है तो उनके बीच में कितना कोण बनता है, थीटा बराबर कितना कोण बनता है, जीरो कोण बनता है, ठीक है। तो यहां से हम इस पर एधुर प्रकाश डालेंगे, तो इससे जब प्रकाश पास होगा तो ये इसकी पहचान करेगा विश्लेषक, और विश्लेषक जो पहचान करेगा तो इससे निर्गत होने वाला प्रकाश यदि अधिकतम है तो उस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, समांतर व्यवस्था कहते हैं। तो हमने ऊपर लिखा है, देखिए यदि दोनों पोलराइडों को इस प्रकार एक दूसरे के ऊपर रखें कि दोनों पोलराइडों की अक्षें आपस में समांतर हो जाएं, तो दोनों अक्ष कैसी होंगी आपस में समांतर हो, एक पोलराइड को और एक दूसरे के ऊपर ऐसा रखें कि दोनों की जो अक्ष है वो कैसी हो समांतर हो, अर्थात दोनों के बीच में कोण कितना हो जीरो डिग्री का। तो प्रथम पोलराइड से निर्गत प्रकाश दूसरे पोलराइड से पारगमित हो जाता है, प्रथम पोल लाइट से निकलने वाला जो प्रकाश है वो दूसरे पोल लाइट जो विश्लेषक है उससे कैसा होता है पारगमित हो जाता है, तथा निर्गत प्रकाश की तीव्रता कैसी होती है अधिकतम, इससे जो निकलने वाली तीव्रता है विश्लेषक से निकलने वाली तीव्रता यदि अधिकतम होती है तो इसे पोल लाइट की कौन सी व्यवस्था कहते हैं, समांतर व्यवस्था कहते हैं। तो एक बार देखिए, ये एक ध्रुवक है और इसके आगे दूसरा एक पोल लाइट लिया गया विश्लेषक है, जो यहां से निकलने वाले प्रकाश ध्रुवित है या नहीं उसकी पहचान करने के लिए विश्लेषक का उपयोग किया जाता है। ये पहला पोल लाइट है, फर्स्ट पोल लाइट, जिसको हम क्या कहते हैं फर्स्ट पोल लाइट, ये हो गया, और दूसरा पोल लाइट ये हो गया। तो पहला पोल लाइट ध्रुवक है, ध्रुवक से दूसरे पोल लाइट इसको विश्लेषक कहते हैं, दोनों को कैसे रखते हैं कि समांतर रखते हैं, जिनकी दोनों की अक्ष कैसी हो आपस में समांतर हो। तो यहां से जो निकलने वाला प्रकाश है, जो यहां से ध्रुवक से निर्गत प्रकाश है, वो पोल लाइट से कैसे हो जाता है पारगमित हो जाता है, और यदि पारगमित होने वाले प्रकाश की जो तीव्रता है वो अधिकतम होती है तो इस व्यवस्था को समांतर व्यवस्था कहते हैं। कौन सी व्यवस्था कहते हैं, समांतर व्यवस्था। अब मैं एक नियम भी पढ़ाऊंगा आपको, मेरस का नियम अभी पढ़ाया नहीं है, लेकिन उसका फॉर्मूले से भी हम देखेंगे कि तीव्रता अधिकतम प्राप्त हो रही है नहीं, तो यहां से हम मेरस के नियम से भी देख सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो यहां पर फिलहाल मैं मेरस का नियम का एक फॉर्मूला देख रहा हूं, मेरस के नियम से। तो मेरस का नियम है आई बराबर आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है मेरस का नियम, ठीक है। अब यहां से देख रहे हैं आप, जब समांतर रखेंगे दोनों पोल लाइटों को तो इनके बीच में कोण कितना होगा, बताइए कितना कोण होगा, जीरो डिग्री का, क्योंकि थीटा बराबर कितना हो गया जीरो। तो यहां से पुट कर दे तो आई इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर जीरो डिग्री। अब यहां से देखें कॉस स्क्वायर जीरो इक्वल टू क्या होता है, वन होता है। तो यहां से जो निर्गत प्रकाश की तीव्रता कैसी अधिकतम है, तो आई इक्वल टू क्या है आई नॉट, जीरो नहीं हुआ यहां पर देखिए, तो आई की वैल्यू क्या है आई नॉट के बराबर है, तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता अधिकतम प्राप्त होती है। तो इस व्यवस्था को समांतर व्यवस्था कहते हैं, ठीक है ना, ये समांतर व्यवस्था कहलाती है। अब हम दूसरी व्यवस्था को यहां से एक्सप्लेन और करेंगे। अब ये दूसरी व्यवस्था है क्रॉस व्यवस्था, ये पोल लाइट की पहली व्यवस्था हमने पढ़ा दी आपको समांतर व्यवस्था, अब दूसरी व्यवस्था होती है क्रॉस व्यवस्था। अब क्रॉस व्यवस्था में क्या करेंगे कि वही हम ध्रुवक और विश्लेषक लेंगे। तो ये देखिए पहला पोल लाइट लिया हमने और इस पहले पोल लाइट को हम कहते हैं ध्रुवक, पहले पोल लाइट को क्या कहते हैं ध्रुवक, ठीक है। और एक दूसरा पोल लाइट यहां से हम एक और पोल लाइट ले लेते हैं और इस पोल लाइट को कहते हैं विश्लेषक,
दूसरा जो कोलॉइड होता है वो क्या होता है, विश्लेषक होता है, और पहला पहला कोलॉइड कौन सा होता है, ध्रुवक होता है। अब ये दोनों कोलॉइड में क्या करते हैं हम कि ध्रुवक जो पहला कोलॉइड है इसको क्या करते हैं, स्थिर रखते हैं, और ये दूसरा जो कोलॉइड है इसको विश्लेषक कहते हैं, उसको इसके सापेक्ष मतलब ध्रुवक के सापेक्ष 90 डिग्री कोण से घुमा दिया जाता है। तो यहाँ पर ये पहला कोलॉइड है ध्रुवक, इसको तो स्थिर रखेंगे, और ये दूसरा कोलॉइड है विश्लेषक, उसको हम इसके सापेक्ष मतलब ध्रुवक के सापेक्ष कितने कोण से घुमा देंगे, 90 डिग्री कोण से घुमा देंगे। तो यहाँ से थीटा बराबर क्या लिख दें यहाँ पर 90 डिग्री कोण। तो ये तो देखिए हमने तो स्थिर रखा, तो इसकी लाइनें ऐसी थी, कैसी लाइनें थी, इस तरीके से बिल्कुल इसको समांतर स्थिति में ही रखा, जैसे था वैसे ही रखा हमने इसको, ठीक है, और स्थिर रख दिया इसको। अब ये जो विश्लेषक है इसको हमने यहाँ से कितने कोण से घुमा दिया बताइए, 90 डिग्री कोण से घुमा दिया यहाँ से, तो ये 90 डिग्री कोण से इसको घुमा दिया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये 90 डिग्री कोण बन रहा दोनों के बीच में, तो इसकी लाइनें इस तरीके से और इसकी लाइनें इस तरीके से, अगर यूं देखें तो ये लाइन है और ये लाइन है, कितना कोण बन रहा है यहाँ पर, 90 डिग्री कोण बन रहा। तो ये देखें आप 90 डिग्री, क्योंकि ये लाइनें देख रहे हैं आप, ये वाली ये तो यूं है इस तरीके से, और ये वाली लाइन है वो ऐसे है इस तरीके से, दोनों के बीच में कितना कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण। तो हमने यहाँ लिख दिया है यदि प्रथम पोलराइड जिसको क्या कहते हैं ध्रुवक कहते हैं को स्थिर रखकर दूसरे पोलराइड विश्लेषक को 90 डिग्री कोण से घुमा दिया जाए तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता शून्य प्राप्त होती है, कितनी मिलती है, शून्य प्राप्त होती है, इसे क्रोत्सित व्यवस्था कहते हैं। कहने का मतलब है कि जब आप 90 डिग्री कोण से घुमाएंगे और पोलराइड को आप सूर्य के प्रकाश को देखेंगे तो वहां पर बिल्कुल आपको जो निर्गत प्रकाश की तीव्रता है उसमें से क्या होगी, शून्य दिखाई देगी, उसको हम लैब में आपको करके बता देंगे जब प्रैक्टिकल आपको करवाएंगे, ठीक है ना। तो अब यहां से देखें यदि प्रथम पोलराइड ध्रुवक को स्थिर रखकर दूसरे पोलराइड विश्लेषक को 90 डिग्री कोण से घुमा दिया जाए तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता शून्य प्राप्त होती है, इसे क्रोत्सित व्यवस्था कहते हैं, शून्य या न्यूनतम कह सकते हैं हम, ठीक है, तो इसे क्रोत्सित व्यवस्था कहते हैं। अब मेहरस के नियम से देखें, मेहरस के नियम से तीव्रता शून्य आती है या नहीं, तो मेहरस का नियम है आई इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ कोण कितना बन रहा है आपका दोनों के बीच में, ध्रुवक और विश्लेषक के बीच बनने वाला कोण कितना है 90 डिग्री, तो यहाँ से देखें थीटा इक्वल टू क्या हो गया 90, तो आई इक्वल टू क्या हो गया आई नॉट, और ये हो गया कॉस स्क्वायर 90, तो आई इक्वल टू कॉस स्क्वायर 90 है, तो यहाँ से देखें कॉस स्क्वायर 90 इसकी वैल्यू क्या है 0, तो आई की वैल्यू क्या हो गई 0, तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता आई इक्वल टू क्या हो गया 0, इसको कौन सी व्यवस्था कहते हैं, क्रोत्सित व्यवस्था कहते हैं, ठीक है। अब आपके जो पॉइंट रह गए वो मैं आपको पॉइंट बताता हूँ, अब लास्ट चैप्टर के पॉइंट है वो बताता हूँ, पोलराइडों के उपयोग, ठीक है ना, ध्रुवित अध्रुवित एवं आंशिक ध्रुवित प्रकाश की पहचान करना और मेलस का नियम, ये तीन पॉइंट आपके रह गए जो नेक्स्ट वीडियो में आपको कराने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद जो चैप्टर सर बताएंगे हमें आदेश करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम और चैप्टरों को आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, थैंक यू।